तो भाई साहब हिंदू फेस्टिवल्स में ना हर बार हम सिर्फ और सिर्फ खीर खाते आ रहे हैं, लेकिन हम आ चुके हैं कहाँ, तो द वॉफल को, जहाँ पे मिलती है खीर वाली शेक। जी हाँ, खीर वाली शेक, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है ना ये। तो चलिए अंदर घुसते और लगवाते अपने लिए खीर वाली शेक। तो चलो भाई लगवाते हैं अपनी यहाँ पे खीर वाली शेक। सबसे पहले जा रहा है इसमें दूध, है ना, दूध के बिना खीर तो बनती नहीं है। ये है खीर सिरप। अच्छा, मतलब खीर वीर का चावल नहीं डालोगे? नहीं, चावल के बिना वाली खीर सिरप है ये। अच्छा ठीक है, कैसा फ्लेवर होगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं, कभी ट्राई किया नहीं है, बहुत न्यू चीज है मेरे लिए। अब जा रहा है इसमें आलमंड्स। ओके, चले गए अपने बादाम इसमें। ये क्या है, खीर वाली आइसक्रीम? नहीं, अच्छा नॉर्मल वनीला आइसक्रीम है। मुझे क्या लगा खीर को एकदम डीप फ्रीज करके फ्रोजन कर दिया है, उसके बाद आइसक्रीम बनाकर डाल रहे हो। नहीं ऐसा। अच्छा, तो चलो अब इसको डायरेक्ट मिक्सर में ग्राइंड करते हैं, राइट? हो गया। तो ये अपनी खीर वाली शेक और जा रही है, और सच बताऊं खुशबू यहीं पे आ रही है मुझे। तो भाई खीर वाली शेक लग चुकी, खीर तो नहीं मिली, चलो कोई नहीं, खीर बहुत खाया है, बतेड़े जगह खाया है, आज शेक पी करके देखते हैं। तो चलो ये बात सही में यार, खीर वाला एकदम मजा आ गया इसमें, सच बता रहा हूँ। चावल वावल कोई फ्लेवर नहीं आ रहा है, लेकिन जो खीर में ना दूध उबलती है, वो जो उसमें जो चीनी पड़ती है, उसका जो मिठास आती है ना, आया खाया है। पर कभी खीर मतलब साइड से खरोद करके खाया है, वही फ्लेवर दे रहा है। हाँ ये है, वो भैंस वाली गाय वाली दूध का जगह वाला फ्लेवर, स्मोकीनेस वो सब नहीं आ रहा है, बट हाँ खीर का स्वाद है इसमें, नो डाउट। तो भाई मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी में अच्छा रहा, इस तरीके की इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फूड रेसिपी है ना, सिर्फ और सिर्फ फूडी समरसा जी लेकर के आ रहा है। तो चलिए इसी के साथ मेरे पेज को फॉलो कर लो अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो दूसरी बार देख रहे हो तो लाइक कर दो, तीसरी बार देख रहे हो तो कमेंट भी ऐड ऑन कर लो, चौथी बार देख रहे हो तो शेयर भी कर दो, पांचवी छठी बार देख रहे हो तो मेरे को एक प्यारा सा अपना प्यार दे दो। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और लोकेशन किसी और डिश के साथ। टिल देन आप सभी को फूडी समरसा, टाटा बाय बाय एंड सायनारा।